हाय फ्रेंड्स, माय मोहम्मद सकली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सकली चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाटा इन फ्रॉड के बारे में। जी हाँ, जब से जियो आया है तो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरनेट सस्ता होता चला जा रहा है, उसके बाद फ्रॉडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लोगों की डाटा चुराए जा रहे हैं ऑनलाइन, और उसके बाद लोगों के पैसे चुराए जा रहे हैं ऑनलाइन। ये सब हो रहा है इंटरनेट की दुनिया में। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि हमने आपसे कहा, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं डाटा एंट्री फ्रॉड के बारे में, एंड इनसे आप कैसे बच सकते हैं, एंड ये कैसे आपको अपने झांसे में फंसाते हैं। देखिए, जो लोग नहीं जानते डाटा एंट्री क्या होता है, उनको मैं बता दूं। डाटा एंट्री तो इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट देती है, उसके बाद आपको कहते हैं कि आप इसमें इस काम को हमारा कर दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ पैसे देंगे। कंपनी ये करती है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको खुद इन्फॉर्म करके बुलाती है, कि अपने कंपनी आपको बुलाती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू लेती है, देन उसके बाद आपको डाटा एंट्री करने के लिए आपको देती है। और लेकिन इसका गलत उपयोग क्या हो रहा है इंटरनेट पर, लोग इसका फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक ईमेल के थ्रू मैसेज करेंगे कि आप डाटा एंट्री करिए, और उसके बाद 20,000 या 25,000 मंथली आप कमा सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर से या फिर आप अपने लैपटॉप से डाटा एंट्री करके, इवन आप मोबाइल से भी डाटा एंट्री करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। ये आपको फ्रॉड जो है, ये आपको फ्रॉड लोग कहते हैं। ईमेल के थ्रू आपको कहते हैं या फिर कॉल के थ्रू आपको कहते हैं। ईमेल में आपको यह लिख के भेजेंगे कि सर, अगर आप इंटरनेट से ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारा ये डाटा एंट्री जो है आप इसको एकदम अच्छे से कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको मंथली में 25,000 या 50,000 आपको दे दूंगा। आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आधार कार्ड आपको भेजेंगे, एंड उसके बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। डाटा एंट्री फ्रॉड लोग ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं आपको बता दूँ, डाटा एंट्री जो फ्रॉड लोग होते हैं, ये आपको सिर्फ ईमेल ही नहीं करते, बल्कि ये न्यूज़पेपर में भी आते हैं। यानी कि जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र होता है, पेपर जो होता है, उसमें भी ये अपने स्कीमें को फिगर आउट करवाते हैं, यानी कि छपवाते हैं और उसके बाद प्रचार करवाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है इसमें फंस जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट जो लाइव होता है उसमें बहुत लोग मिडिल क्लास के रहते हैं, और उनको पैसे कमाने की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है। तो वो क्या करते हैं कि उस पेपर को जब पढ़ते हैं तो उसमें अपना सोचते हैं कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो टोटली बताने का मतलब यही है कि आपको ये ईमेल ही नहीं करते, बल्कि कॉल ही नहीं करते, ये आपको ये न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलते हैं, ये डाटा एंट्री फ्रॉड लोग। तो इसमें आपको, जैसे कि हमने आपसे कहा, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आधार कार्ड डिटेल लेते हैं, एंड उसके बाद आपके नाम पूरी डिटेल आपको लेते हैं। फिर उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट करवाते हैं कि आपको ईमेल के थ्रू एग्रीमेंट करवाएंगे, उसके बाद कहेंगे साइन करवाएंगे, उसके बाद आपको पासवर्ड देंगे, ईमेल देंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप इस वेबसाइट के लिए आप डाटा एंट्री कीजिए, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएगा। उसके बाद जब आपको ये सब काम कर लेंगे, डाटा फ्रॉड लोग जब आपको काम दे देंगे, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि जो वेबसाइट के लिए आप डाटा एंट्री कर रहे थे उस वेबसाइट को वो डाउन कर देते हैं। यानी कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दिए हैं कि 5 दिन में आप डाटा एंट्री कंप्लीट कर देंगे, ये आपने कहा उनसे, तो 5 दिन के लिए वो वेबसाइट डाउन कर देंगे, ताकि आप उस पर आप अपने डाटा एंट्री को ना कर पाएँ। तो पाँच दिन में जब आप 5 डेज में जब आप डाटा एंट्री नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रीच कर दिए, यानी कि आपको कहेंगे आपने मेरे कानून को तोड़ा है, और आपको एक्ट 73, 74, 75 के थ्रू आपको कोर्ट में पैसे देने पड़े, क्योंकि आपने हमारे नियमों को तोड़ा है। वो आपको खुद फंसाएंगे और कहेंगे, खुद आपके ऊपर केस कर देंगे, वो केस झूठी होगी, कोई सच्ची केस नहीं होगी, और कहेंगे कि आपको एक्ट 73, 74, 75 आपको लग चुका है, आप कोर्ट में 40,000 और 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, नहीं तो आप जेल में जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपको बता दूँ, 1872 में ये लॉन्च किए गए, सरकार की तरफ से ये किया गया था। 73, 74, 75 ये धारा है, जो भी कंपनी इसको ब्रिज करती है, जो भी व्यक्ति इसको ब्रिज करता है, उसको जुर्माने में उसको 50,000 या 40,000 उसको देना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर ये केस लगा देते हैं, जो कि ये झूठी होता है।
तो यही होता है डाटा एंट्री फ्रॉड में। आई होप समझ गए होंगे। अगर डाटा एंट्री फ्रॉड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाटा एंट्री फ्रॉड लोग से कैसे बचा जाए। ये आपको ईमेल करते हैं तो आप इनके ईमेल को रिप्लाई मत कीजिए और इनके ईमेल को इग्नोर कीजिए। एंड उसके बाद कोई भी आपको 25,000 या 50,000 मंथली ऐसे नहीं देगा, वो भी एक टाइपिंग के थ्रू, डाटा एंट्री टाइपिंग के थ्रू आपको 25-20 हज़ार मंथली नहीं देगा, ये आप समझ सकते हैं। और एंड उसके बाद ये आपको कॉल करेंगे, कॉल के थ्रू आपको कहेंगे तो आपको इनके कॉल को इग्नोर करना है। एंड न्यूज़पेपर में आपको इनके ऐड देखने को मिलेंगे, आप उनको भी इग्नोर कीजिए। आप अपने अंदर ये समझदारी रखिए कि आपको मंथली 20-25 हज़ार कोई ऐसे नहीं दे देगा, वो भी घर बैठे बैठे। कोई भी कंपनी अगर आपसे डाटा एंट्री कराना चाहती है, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद आपके बारे में डिटेल लेगी, सही से एकदम करेगी आपको, इवन आपको अपनी कंपनी में बुलाएगी तो उसके बाद आपको नौकरी पर रखेगी, जैसे कि आप जानते हैं। तो आप ऐसे फालतू के झांसे मत आइए, आप मेहनत कीजिए। अगर आपको पैसे कमाना है तो यूट्यूब पे आइए, वीडियो बनाइए, या फिर आप ब्लॉगिंग कीजिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं आप उनको कीजिए, बल्कि आप ये सब गलत काम में आप अपने आप को मत बताइए। सो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस हमारा इतना था कि आपको जो इंटरनेट की दुनिया में फ्रॉड हो रहा है, डाटा एंट्री फ्रॉड लेकर बात चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देना था। सो आई होप आप इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप हाइकिंग में रुचि रखते हैं, यानी कि हाइकिंग आपको पसंद है एंड टेक्नोलॉजी आपको अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको हाइकिंग से ही रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ। सो आज के वीडियो में बस इतना है, अब मिलेगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।